नमस्कार, पोल्स्काय में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त खुशबू। खांसी, गले में दुखन और जलन के साथ सांस लेने में तकलीफ होना कोरोना संक्रमण के सामान्य लक्षणों में शामिल है। इस तरह की दिक्कत होने पर लोग अक्सर बिना डॉक्टर की सलाह के कफ सिरप का सेवन कर लेते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि कफ सिरप लेने से इन दिक्कतों में आराम महसूस होता है, लेकिन ये बात तब फिट बैठती है जब आपको सामान्य कारणों या बदलते मौसम के कारण गले से जुड़ी इस तरह की समस्याएं हो रही हो। हाल ही में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस बात पर परीक्षण किया कि यदि कोरोना से संक्रमित कोई भी व्यक्ति गले के दर्द और खांसी से राहत पाने के लिए कफ सिरप का उपयोग करता है तो उसकी सेहत पर कैसा असर पड़ता है। इस शोध को कोरोना संक्रमित अफ्रीकी बंदरों पर किया गया, क्योंकि इन बंदरों पर किसी भी दवाई का असर ठीक उस तरह होता है जैसे इंसान पर किसी दवा का असर होता है। शोध टीम से जुड़े प्रोफेसर ब्रियन का कहना है कि जब हमें शोध में इस तरह के परिणाम देखने को मिले कि बंदरों में कफ सिरप के उपयोग से कोरोना वायरस की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, तब हमें लगा कि सभी लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के कफ सिरप का सेवन नहीं करना है। कोरोना संक्रमित मरीजों द्वारा अगर ऐसी कफ सिरप का सेवन कर लिया जाता है जिसे बनाने में डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन का उपयोग किया गया हो, तो ये दवाई मरीज की समस्या कम करने की जगह बढ़ा सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन ड्रग हमारे शरीर में पहुंचने के बाद जिस तरह से रिएक्ट करती है और काम करती है, वे सब कोरोना को रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। यानी इस ड्रग की मदद से कोरोना वायरस को अपनी संख्या तेजी से बढ़ाने में मदद मिलती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर मरीज पर वायरस की संख्या में वृद्धि का एक जैसा असर दिखाई दे। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन ड्रग एक ऐसा कॉम्पोजिशन है जिसका सेवन करने पर हमें खांसी की समस्या में तेजी से आराम मिलता है। यही वजह है कि आमतौर पर सभी कफ सिरप बनाने में इस ड्रग का उपयोग किया जाता है। शोधकर्ताओं की ये टीम कोरोना के दौरान मरीज में दिख रहे लक्षणों के आधार पर इस बात की जांच कर रही है कि जब कोरोना से पहले इस तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए जिन दवाओं का उपयोग किया जाता है, उन दवाओं का असर कोरोना के मरीजों पर किस तरह हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की अन्य वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।